आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा से बनने वाला बहुत ही टेस्टी नाश्ता। ऊपर से कुरकुरा है ये और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में आराधिका की कुकिंग। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो पोहा बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये पोहा लिया था। इसको चिवड़ा भी बोलते हैं और इसको चोले भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो मैंने ये 2 कटोरी पोहा लिया था, बड़ी कटोरी। उसको अच्छी तरह मैंने धो लिया था। धोने के बाद मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया था और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, पानी भी इसने सारा एब्जॉर्ब कर लिया है और अब ये इसमें मसाले मिलाने के लिए रेडी है। सबसे पहले मैंने इसमें 1 बड़ी शिमला मिर्च बारीक काट ली है, वो मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें मैंने 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा था, वो मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है, उसको मैंने डाला है इसमें। अब ये ग्रीन कोरिएंडर डाल रही हूँ, हरा धनिया। अब इसमें ड्राई मसाले ऐड करते हैं। सब्जियाँ आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं अपनी मनपसंद। ये मैं नमक डाल रही हूँ, ये सेंधा नमक है थोड़ा सा, इसलिए ज़्यादा डलता है ये, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। ये रेड चिली पाउडर है, ये 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं। ये अमचूर पाउडर है, अमचूर पाउडर अगर नहीं है तो आप लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हल्दी पाउडर 1 चम्मच। ये मैं थोड़े से ऑरिगेनो डाल रही हूँ, उससे थोड़ा सा और टेस्टी फ्लेवर बन जाएगा इसमें। 1 चम्मच भर के डाला है मैंने, आप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए इनको मिक्स कर लेते हैं। अगर ये पोहा आपको थोड़ा सा ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेना, नहीं तो सूखा सूखा रहेगा तो फिर बॉल्स नहीं बन पाएंगे इसके। तो चलिए हम इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं और फिर इसकी हम बनाएंगे बॉल्स। ये मैंने 1 चम्मच हींग पाउडर डाला है, मैं डालना भूल गई थी पहले तो मैंने इसलिए अब मिक्स किया है। ये देखिए बिल्कुल ये मुशी होता जा रहा है, बिल्कुल मैश हो गया है। तो देखिए इसका बॉल हम बना के देख लेते हैं और हाथों से ऐसे इसको थोड़ा सा दबा के बॉल बनाना है। ऐसे करने से देखिए ये खुल जाएगा और ऐसे करने से ये बॉल पूरा बन रहा है ठीक से, तो हमें ऐसे ही बॉल बनानी है। तो देखिए ऐसे मैंने बॉल बनाई है। चलिए सारी इसी तरह से बॉल रेडी कर लेते हैं हम, फिर मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाऊंगी। कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया था मैंने और देखिए बॉल्स मैंने रेडी कर ली हैं सारी। तो अब हम ऑयल थोड़ा सा चेक करते हैं। मैंने थोड़ा सा ये डाल के देखा है पोहा का पीस, ऑयल बिल्कुल रेडी है। इसमें बॉल्स डाल देते हैं और एक बार में बहुत सारी बॉल्स नहीं डालें क्योंकि इनको फिर पलटने में दिक्कत होगी हमें। बहुत ज़्यादा एकदम से भीड़ ना करें, तो इनको फ्राई होने देते हैं और बहुत आराम से इनको पलटना है। देखिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है हमें इनको पलटते हुए, क्योंकि अगर ये खुल गए तो फिर सारे में एकदम से ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे एकदम ऑयल में। चलिए इनको पकने देते हैं। अब इनको बीच बीच में ऐसे ही लगातार चलाते रहिए, नहीं तो फिर कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम सिक जाएंगे। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक अब हम इनको फ्राई करेंगे और बीच बीच में लगातार चलाते रहना है। आप देख रहे होंगे कि मैं इनको बार बार चला रही हूँ, ऐसे ही आपको भी बार बार इनको बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो ये कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम सिक जाएंगे, फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा खाने में। कलर इनमें आना स्टार्ट हो गया है, अभी थोड़े से और गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे, और अब ये तैयार हैं, इनको उतार लेते हैं। ये 1 बैच मेरा तैयार हो गया है, ऐसे ही मैं दूसरा बैच भी रेडी करूंगी, फिर उसके बाद हम इनको सर्व करेंगे।
तो आप देख सकते हैं दूसरा बैच भी बिल्कुल मेरा बन के तैयार हो गया है। गोल्डन ब्राउन कलर इनमें भी आ गया है। इनको भी उतार लेते हैं। अब इनको हम सर्व करेंगे। तो देखिए बिल्कुल रेडी हैं ये हमारे। हम सर्व कर लेते हैं इनको। और ये बहुत ही अच्छा नाश्ता है, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करना। बिल्कुल कुरकुरे जैसे बाज़ार में वेज कबाब मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट इनका आया है। और हम इनको रेड और ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना, चाय के साथ खाने का बहुत अच्छा टेस्टी नाश्ता है ये। देखिए इसको मैं तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से कुक हुए हैं, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। आप इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और ऐसी ही और रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए आराधिका की कुकिंग चैनल। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।